अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नाइको के न्यूज से अहमद खान। यहाँ आज हमारे बीच एक परिवार है जिसमें एक बेटी है। वो बेटी जिनके माँ बाप ने कोई सपना देखा था बेटी का ब्याह करेंगे, वो अपने ससुराल जाएगी, बहुत खुश रहेगी। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसके खुशियों में किसी की नज़र लग जाती है और बेटी न सिर्फ अपने घर आ जाती है बल्कि जिससे विवाह हुआ था रेहान से, वो उसको तीन बार तलाक 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 बोलकर उसको घर जाने के लिए कहता है। माँ शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसको भला बुरा कहता है, जल्दी जल्दी गालियाँ देता है। तो आइए हम बेटी से ही सीधे बात करते हैं। आपका नाम? तंजीम। ये आपकी मम्मी? आपका नाम? तस्लीम। आपके पिता वाले साहब? सलीम साहब। तंजीम है, उनकी वालदा है या फिर उनके वालिद हैं? तो आपने सबसे पहले बताइए, तंजीम की शादी आपने किस तरह से की थी और क्या सपने थे आपके, बताइए। हमने हमारे बगल में शादी करी थी, उनकी माँ से हमारे दो घरेलू बात थे और वही कहती थी हमें ये लड़की बहुत पसंद है। लड़के का नाम क्या है? रेहान। तो हम लड़के से हमें भाई की शादी करेंगे। हमने उनकी उनकी सूरत देखी, लड़की की शादी कर दी, अच्छे थे। वो 23 जनवरी तक ही जी, क्योंकि उन्हें उनके फेफड़े खराब हो गए थे, उनकी 2 साल की तबियत खराब। फिर उनके इंतकाल की बात क्या हुआ? उनके इंतकाल का समय लड़की को बहुत, उनकी लड़कियों ने परेशान करा, रेहान ने परेशान करा, वो पैसे मंगाते थे, गाड़ी मांगते थे, गाड़ी मांगते थे। जब तक वो थी तब तक कुछ नहीं था, उनके जाने के बाद फिर रेहान बदसलूकी करने लगा, पैसों की मारने लगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ ऐसा कि आप रेहान को आपको 3 बार तलाक तलाक कहना पड़ा? मैं हमारे घर नहीं आने देते थे और कहते थे कि वो दूसरे दुकान पर काम करता हूँ, तो अपनी अम्मा से 1 लाख रुपए लेके आ और कैसे ज्यादा भी बैठूंगा मैं और अपनी खुद की दुकान खोलूंगा। तो मैं जाती नहीं थी, मेरे घर को कमाने वाले नहीं, सिर्फ मेरे पापा है, कहाँ से देंगे इतने पैसे, तो मुझे खूब मारते थे। फिर एक दिन मेरी अम्मी मुझे लेने आई थी, तो मैंने तक मुझे जाने नहीं दिया। 11 अप्रैल को मेरी अम्मी लेने आई, 11 अप्रैल 2021 को आपकी अम्मी लेने आई 11 अप्रैल के घर में जी। तो उन्होंने मेरी अम्मी को भगा दिया कि तुम यहाँ आएंगे और जाओ यहाँ से, धक्का देके अम्मी को भगा दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि चले जान देते, कल हमारे माँ भाई का बर्थडे भी है और रमजान भी आया, 2-4 दिन रुकी आती। तो उन्होंने मुझे घर से भगा दिया, वो मेरा जेवर पूरी मेरे नन नको ने रख लिया था। मैं मेरे घर आ गई, मुझे मेरा घर बगल बगल में ही मुझे भगा दिया, मेरा कुछ सामान भी नहीं दिया। तो उन्होंने ननन क्या का नाम क्या? नगो, उसने रख लिया जी। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 दिन बाद हमने हम रहने का कहा कि हम रहने को तैयार हैं, रख लो। तो हमारे पास कहने लगे हमें तुझे मेरे घर में नहीं घुसने दूंगा। हमारी नन कहने लगी हमें निकाय हमारी नन शन्नो है, कहने लगी रेहान तू 3 बार तलाक बोल दे तब लफड़ा खत्म हो जाएगा। उसने मुझे रोटी तोड़ के 3 तलाक दे दूंगा। हमारे जेठ इमरान कहने लगे मैं मेहर भी दे दूंगा। अच्छा, तो फिर 3 तलाक रेहान के कहने के बाद आप पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए? जी, हम गए थे। तो मैडम कहने लगी हम इन पे 3 तलाक का केस लगा देते हैं। उन्होंने इन पे 3 तलाक केस भी लगा दिया था और अगले दिन हम जेल भी भेज दिया था। ठीक है, मतलब रेहान ने जिस तरह से आपको तलाक तलाक कहकर घर से बाहर निकाला जी, स्थानीय आपका छोला पुलिस थाने में आपने जहाँ पे आप रहती हैं वह आपका स्थानीय थाना है छोला जी। पुलिस थाने में आप जाती हैं, आप पूरी आपबीती सुनाती हैं, तो पुलिस हरकत में आती है और मामले को सही पाते हुए उनके खिलाफ 219A का मुकदमा दर्ज कर देती है और फिर रेहान को जेल हो जाती है। लेकिन रेहान की जल्द ही जेल से रिहाई भी हो जाती है। तो जेल से आने के बाद फिर रेहान ने आप लोगों के साथ क्या व्यवहार किया वो बताइए। उन्होंने हमारी भी रिपोर्ट लिखी मगर उनकी भांजी के लिए उन्होंने हमारा हाथ तोड़ दिया। फिर उन्होंने उनकी भी रिपोर्ट लिखी काउंटर केस। तो अब वो क्या कह रहा है रेहान, अब क्या कह रहा है आपके भाई के साथ, आपके मामू के साथ क्या व्यवहार कर रहा है? वो हमारे मामू को हमारे भाई को मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने हमारे भाई को बांधपुर रास्ते खड़े तक मारने की खदेड़ा भी डंडों से। आपके भाई को बांधपुर से रास्ता खेल कर डंडों से खदेड़ा और किसी तरह जान बचा कर भागा, वो किस तरह एक दीवार बनी तो उसमें से कूद के भागी आया। तो फिर आपने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस वाले कहने लगे
हमने शिकायत करी थी तो फिर उन्होंने उनकी भी ली थी, हमारी भी ली थी। अच्छा, दोनों की शिकायत लिखी गई। लिहाज तो अब आप क्या चाहती हो पुलिस से, आप क्या सही है? जैसे कि पुलिस ने जो भी आपके साथ न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, पुलिस की कानून व्यवस्था को उन्होंने निभाते हुए आप आपकी पूरा सहयोग किया, और लेकिन अब आगे और क्या सहयोग की आप उम्मीद करती हैं पुलिस से, क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं हमारा 3 लाख का केस लगाए, जो अदालत फैसला लेगी वो हमें मंजूर हो, ठीक है? वो मगर ये लोग हमें परेशान न करें, हमें झूठी झूठी कौन परेशान न करें, रेहान परेशान न करें, उसके घर वाले जी, ठीक है? और उनके घर वाले में कौन कौन है? रेहान और उसके घर वाले में 5 बहने हैं। उनके नाम क्या है? सबसे बड़ी शन्नो है, वो हमारी निगाहें मरी है, और आपकी शबीना है, और नग्गो और शगुफ्ता। अच्छा, ये परेशान जी, और शुमाइला है, और एक सायमा है, 5 बहने। बाकी आपके जो वालिद साहब है वो क्या काम करते हैं? ये हम अपना ट्रक चलाते हैं। आपका नाम? सलीम भाई ट्रक ड्राइवर है, जो की एक बहुत ही इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो भी कमाते हैं वो अपने परिवार में, अपने बच्चों में खर्च करते हैं, और सिर्फ उनका काम है नमाज पढ़ना और अपना काम करना। लेकिन इतने सीधे इंसान के साथ भी उन्होंने झूठी शिकायत करके इन्हें थाने में 2 दिन बिठा कर रखा, और फिर मुचलके पर इनकी जमानत हुई, तो लिहाजा इनको मानसिक रूप से परेशान करा जा रहा है रेहान और उसके परिवार वालों द्वारा, और झूठी शिकायत करके थाने में इनके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाते हैं वो। तो लिहाजा जो स्थानीय थाना है उसके जो प्रभारी हैं, लाइफ ओके न्यूज़ उनसे निवेदन करती है कि ऐसे लोग जो कि बेवकूफ़ होकर घूम रहे हैं और इस तरह से लोगों को, भोले भाले लोगों को परेशान करते हैं, उनके घर पर आके गाली गलौज करते हैं, तो मामले को गंभीरता से लेते हुए रेहान की जो हिम्मत बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लगाया जाए, और जो आला अधिकारी इसको देखें, इस न्यूज़ को, वो भी इस तरह के जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जेल से आने के बाद भी अपने ससुराल पक्ष को किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का जो भी उन्हें मौका मिलता है करते हैं, और किसी तरह से कानून व्यवस्था जो कि सख्त है आज, कानून पर इनको पूरा भरोसा है, अटूट विश्वास है, स्थानीय थाने पर इनका विश्वास है, थाना प्रभारी और पूरी तो स्टाफ पर इनका पूरे विश्वास है, तो ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को यथावत स्थानीय थाना जिस तरह से इनको सहयोग करा है आगे भी करे, लेकिन रेहान और उसके घर वाले जिस तरह से उन पर मानसिक दबाव बना रहे हैं कि यहाँ से घर खाली करके चले जाएं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कानून व्यवस्था पर, स्थानीय थाने प्रवक्ता के प्रभारी पर, आला अधिकारियों पर, DIG साहब इरशाद वली साहब को भी ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ, हमारे SP नोट को भी, कि वो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेहान जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहा है उसको स्थानीय थाना और उसके प्रभारी समझाई दें, ताकि वो इस तरह से ना करे, और जो भी मामला कोर्ट में है कोर्ट के फैसला आने तक शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से लड़की पक्ष को परेशान ना करे, यही लड़की पक्ष उनसे चाहता है और यही उनकी आस्था है। काम लाइफ ओके न्यूज़ से हमारे कैमरा में शाहिद के साथ MS खान, लाइफ स्टेट ब्यूरो चीफ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।